माय लॉर्ड, ये चार फोटोग्राफ्स में से तीन फोटोग्राफ्स में वॉल पे क्लियरली साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कैरी बैग्स आर चार्जेबल। अब हम जनता को इतना क्लियरली इत्तला कर रहे हैं दैट कैरी बैग्स आर चार्जेबल, हम उनके पैसे लेते हैं, ये क्या जबरदस्ती हुई? अब हम कस्टमर को पकड़ पकड़ के थैली थमा तो नहीं रहे थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? वो डिफेंस के पॉइंट से मेरा केस कमजोर पड़ रहा है माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर, खरीदारी। जैसा कि सब जानते हैं कि वंदना जी ने वो स्टोर से कुछ सामान खरीदा और उसके साथ वो थैली भी खरीदी, राइट? तो स्टोर के बिल के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है 7 days रिटर्न पॉलिसी। अगर वो अपनी थैली खरीदने से ना खुश थी तो अगले 7 दिनों में जाके थैली रिटर्न कर सकती थी और उनको उसका रिफंड भी मिल जाता बाकी सामान की तरह। लेकिन उनके बदले में उन्होंने क्या किया? धरने पे बैठ गई, तमाशा खड़ा कर दिया। मिसेस वागले, आप केटरिंग का बिजनेस करती हैं, राइट? किसी दूसरे की अंगीठी पे खुद की रोटी सेकने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लिया है आपने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये मेरे क्लाइंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को डिफेम किया है तब जाके ये सब शुरू हुआ है। माय लॉर्ड, ये थैली के पैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए, जब हम किसी जूते की दुकान पे जाते हैं, जूता खरीदते हैं, तो जूता वाला जूते के साथ साथ हमें बॉक्स भी देता है। क्या उसके पैसे वो चार्ज करता है? नहीं ना। एग्जैक्टली, जूते के साथ वो बॉक्स इसीलिए फ्री में मिलता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को वो बॉक्स जूते के साथ फ्री में देता है। यहां मेरे क्लाइंट को कोई थैली फ्री में नहीं देता, उसे थैली बनानी पड़ती है। माय लॉर्ड, आप इन फोटोग्राफ्स को एक बार फिर से देखिए, गौर से देखिए। माना कि साइनबोर्ड है पर माय लॉर्ड, कितने छोटे छोटे अक्षर में लिखा है। एक्सक्यूज मी, अक्षर छोटे हो या बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा कोई रूल नहीं है। और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। एग्जैक्टली। जोशी पिरा जी, आपके पास कोई और आर्ग्यूमेंट है? नो माय लॉर्ड। ये भगवान, कहीं ये केस लाने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी? एक घंटे की रिसेस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। हे विघ्नहर्ता, मारफतिया जी, चंदू और दासानी को जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देना। काम करते हुए। अरे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे तो क्या हाल मतलब रखी है तुम लोगों ने? कल रात को सोया नहीं था ना सर, तो जरा आंख लग गई। तो मतलब आप लोग घर गए नहीं, यहीं पे थे? सर, आप ही ने कहा था ना कि अगर हम सब नाविक एकजुट होकर अपने जहाज को बचाने की कोशिश करेंगे तो कोई सुनामी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ सर। सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तीनों से। सर, उससे पहले मेरी एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। सर, आपके कहने पर मैंने पोटेंशियल क्लाइंट्स को फिर से कन्विंस करने की कोशिश की, पर सर उनमें से 2 नए क्लाइंट्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। सर, इतना ही नहीं, हमारा जो पैकेजिंग वेंडर है ना, वो भी हमारे भाव पे माल देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन वो बार्गेन करने के लिए मना कर रहा था ना। सर, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस वेंडर की कमजोरी है पुरानी एंटीक घड़ियां। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाया
जो एंटीक दिखने वाली सस्ती घड़ियां बेचता है, तो मैंने उस वेंडर को एक महंगी दिखने वाली सस्ती घड़ी गिफ्ट कर दी और टाइम अपना हो गया। I know. और सर, इस चंदू ने ट्रांसपोर्ट वालों के साथ भी मीटिंग कर ली है। हाँ, कर रहा है बेचारा। अब देखना सर, हमारा जहाज जल्दी तैरने लगेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करते रहो। Keep up the good work. Excuse, जाता हूँ मैं। हाँ, इनवॉइस भेजते हैं। I'll take care of this. Urgent? हाँ, बहुत। कह रहा, I'll call you back. Yeah. मतलब पता है, इस टॉपिक पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। और आई सिंसियरली फील कि चंदू दासा ने मार्फतिया जी के टर्मिनेशंस को हमने थोड़ा डिले करना चाहिए। क्या? हाँ, वो तीनों मिलकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो वो पहले भी कर रहे थे, पर रिजल्ट्स का क्या? अब मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, अभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मार्फतिया जी ने दो नए क्लाइंट ढूंढे हैं, दासानी ने पैकेजिंग वेंडर्स के भाव कम कराए हैं। क्या है ना, हम मुझे और मेरी टीम को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। वक्त हम पहले भी दे चुके हैं और उसे बर्बाद भी कर चुके हैं। नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड राजेश भाई, इनफ, बी रियलिस्टिक प्लीज। क्या हो जाएगा दो नए क्लाइंट से? 8-10 दिन का खर्चा निकलेगा बस, उसके बाद क्या? हमें रिकरिंग कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट हर महीने आते हैं, उन्हें कम करना है। Which means some delivery boys और इन तीनों की सैलरी। खैर राजेश भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, but I'm sorry, क्योंकि वो आपकी टीम में काम करते हैं, ये काम आप ही को करना होगा। वरना भाभी, अगर मैं केस नहीं जीत पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्षमा। दक्कू भाई, प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। नो 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 नो, वरना भाभी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं यूं ही आपके चरणों की धूल का फूल बनकर लेटा रहूंगा। अरे क्षमा वरना भाभी। दक्कू भाई, माफ किया, प्लीज उठिए, भगवान के लिए उठिए। थैंक यू वरना भाभी, थैंक यू, आप महान है। दक्कू भाई, ये रोने का टाइम नहीं है। हाँ, आप सही बोल रही है वरना भाभी, ये रोने का नहीं, ये तो खाने का टाइम है। यम अब तक खाना लेकर आए क्यों नहीं? दक्कू भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये रोने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम है। लंच ब्रेक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, जज अपना फैसला सुनाएगी। कुछ सोचा है आपने क्या करेंगे? एग्जैक्टली दक्कू अंकल, आपके सारे आर्ग्यूमेंट जज के सामने फेल हो गए हैं और हमें किसी भी हालत में ये केस जीतना ही है, तो प्लीज कुछ सोचिए। सोच दक्कू सोच, परम पूजनीय वन्ना भाभी ने तुझ पर इतना भरोसा किया है, तू उन्हें कैसे निराश कर सकता है? कुछ तो सोच। देखो, मैं आ गई। इंटरवल खत्म तो नहीं हुआ ना? और कैसा रहा पहला अंक? यम, अरे ये कोई फिल्म या नाटक नहीं है, ये कोर्ट है, कोर्ट। यहाँ इंटरवल नहीं होता। व्हाट? और ये क्या है? दाल ढोकली। मैं दाल ढोकली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सेकेंड। यम, जिसमें तुम दाल ढोकली लेकर आई हो ना, मैं इस थैली की बात कर रहा हूं। यम, क्या है ये? अरे जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तुम उन्हीं की थैली इस्तेमाल कर रही हो? व्हाट? सॉरी वन्ना बहन, एन मोमेंट पे मुझे थैली नहीं मिली, तो जो थैली मिली वही लेके आई, सो सॉरी। इसने परम पूजनीय वन्ना भाभी के जीवन में आग लगाई है, इसकी जगह यहां नहीं बल्कि ये यहाँ है, यहाँ, समझे तुम? एक मिनट। दक्षेश भैया, दक्कू, क्या कर रहे हैं आप? अरे वो कचरा पेटी है दक्षेश भैया, ये क्यों, क्या ढूंढ रहे हैं? छी छी छी, Thank you.
क्या कर क्या रहे हैं? राजेश सर, आपने हमें बुलाया? हाँ सर। हाँ, जरा जरूरी बात करनी थी। बैठ जाओ ना, खड़े क्यों, बैठ जाओ। दासा नहीं, गर्मी हो रही तो एसी लगा। नहीं नहीं सर, जरूरत नहीं है, अब आदत सी पड़ गई है। नहीं, वैसे सर आपने हमें बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। सर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन मुझे ना तुम तीनों को थैंक यू कहना है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से इस मुश्किल घड़ी में तुम तीनों ने कंपनी का साथ निभाया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। भले तुम सबके लिए मैं जहाज का कैप्टन हूं, सही मायने में तुम तीनों एंकर हो इस जहाज के। और अगर एंकर नहीं हो तो फिर जहाज का बैलेंस चला जाएगा। मतलब लासानी का जुगाड़, मारफते जी की मैनेजमेंट, चंदू कबिल पार। अविल पार से याद है, पहले चंदू को मिला था तब ऐसे लगा नहीं था कि उसके हाथ से शराब की बोतल छूटेगी, लेकिन आज देखो। बस सर, मेरे हाथों से शराब की बोतल इसलिए छूटी क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पे था। और सर, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए सर। आपने हमारी नौकरी बचाने का बीड़ा ना उठाया होता तो आज हम तीनों बाहर दूसरी नौकरी के लिए चक्कर काट रहे होते, है ना? सही है। और सर, जब पेट में खाना और जेब में पैसा नहीं होता ना, तो कैसा लगता है वो अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, और सर, नौकरी नहीं होगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। तो वैसे भी तुझे नहीं मिलेगी, अब नौकरी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है ना? मरफतिये जी, आपको मिल गई छोकरी, जो मिल रही है ना उसे हाँ बोल दीजिए, वरना रह जाएंगे। नौकरी का तो भरोसा नहीं, छोकरी फिक्स कर लीजिए। और मेरी चिंता करिए ही मत, मैं तो क्या यंग भी हूँ, हैंडसम भी हूँ, मुझे तुरंत छोकरी मिल जाएगी। ए, बस बस, मस्ती बस हो गए। नहीं, मैं सीरियस हूँ। लेकिन बहुत काम पड़ा है। नहीं, ये काम हम चलते हैं। नहीं, रुको, तुम लोगों ने बहुत काम कर लिया, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं सर, ये नींद बहुत महंगी होती है, एक कॉस्ट कटिंग चल रहा है ना, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गलती से भी झपकी लग जाती है ना, तो एक भयानक सपना आता है, इसमें आप दिखाई देते हो मुझे नौकरी से निकालते हुए, हाथ में टर्मिनेशन लेटर देते हुए। और नौकरी चली जाने के दुख में मैं फिर से शराब की बोतल हाथ में उठा लेता हूं सर। चंदू, काम है थोड़ा ही, बस सर आता। प्लीज सिट। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, आप कोई और पॉइंट रेज करना चाहते हैं? नो माय लॉर्ड। तो जो एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, उनको स्टडी करने के बाद कोर्ट ये फैसला। रुक जाइए माय लॉर्ड, रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ कहना है तो आपने ना कहा। वो माय लॉर्ड, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना कि एंड में ही बोला जाता है रुक जाइए, तो मैं वही वेट कर रहा था। आपने लॉ कॉलेज से डिग्री ली है या किसी फिल्म स्कूल से? सॉरी। बोलिए, क्या बोलना है? माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस्टर रमन खुराना को यहाँ बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मैडम, आइए।
आइए। वो थोड़ा बैक पेन का तकलीफ है, बैठ जाऊं? प्लीज सिट। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर रमन खुराना, आप कोर्ट को ये बताइए कि आपका धंधा है कितना पुराना। जी बस यही, इस साल हमें 14 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर खुराना, जहां तक मेरी जानकारी है, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से की थी, राइट? और अब मिस्टर खुराना के पूरे भारत में 22 स्टोर हैं। तो मिस्टर खुराना, आप बताएंगे कि 1 से 22 तक का सफर आपने कैसे तय किया? लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, फिर हमारे ब्रांड की गुडविल भी बढ़ती रही, बाकी तो जी रब दी मेहर है। वाव, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस बढ़ा, करेक्ट? वेरी गुड। अच्छा मिस्टर खुराना, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह ऐसा कुछ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। वेरी गुड। कहाँ? बस ये रेडियो हो गया अपना, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग्स, बाकी वो लोकल न्यूज चैनल्स वगैरह। तो ये एडवर्टीजमेंट से आप कितने पैसे कमाते हैं? कमाते हैं? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है खर्चा करते हैं जी, राउंड अबाउट? नहीं, मैंने पूछा कितने पैसे कमाते हैं, मतलब ये जो न्यूज़पेपर है, होर्डिंग है, रेडियो है, इन सबको जब आप ऐड देते हैं तो आप इनसे कितने पैसे लेते हैं? ये क्या कह रहे हैं? अरे भला मेरे एडवर्टाइजिंग के लिए कोई बंदा मुझे क्यों पैसा देगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मिस्टर खुराना, जब आप रेडियो वाले से, न्यूज़पेपर वाले से और ये होर्डिंग वाले से एड चलाने के पैसे नहीं लेते, तो आपने मेरी क्लाइंट वंदना वागले से पैसे क्यों लिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बातों को ऑब्जेक्शन ओवररूल। माय लॉर्ड, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। इस थैली को गौर से देखिए, क्या लिखा है इस पर? मैं आपके पास आ जाता हूं। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट। एग्जैक्टली माय लॉर्ड, एग्जैक्टली। तो मिस्टर खुराना ने ये थैली जिस पर इनके स्टोर का नाम क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरी क्लाइंट वंदना बागले को बेची, तब इन्हें मेरी क्लाइंट वंदना बागले से पैसे लेने नहीं बल्कि इनको पैसे देने चाहिए थे। अरे पर क्यों भाई? क्योंकि मेरी क्लाइंट वंदना बागले और उनकी तरह लाखों कस्टमर ऐसे हैं जो इनके स्टोर की थैली को यूं अपने साथ यूं लेकर चलती हैं और यूं मार्केट में पब्लिक प्लेस पे घूमती हैं और मिस्टर खुराना के स्टोर का फ्री में एडवर्टीजमेंट करते हैं। मिस्टर खुराना, मेरी क्लाइंट वंदना बागले और उनके जैसे लाखों कस्टमर को अपना बिलबोर्ड समझते हैं और ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनसे पैसे भी चार्ज करते हैं, 20 रुपए एक थैली का। माय लॉर्ड, क्या किसी कस्टमर की जानकारी के बिना उससे जबरदस्ती अपने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कराना सही है? नहीं ना। इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात के लिए मिस्टर खुराना को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड।
ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस बेसिस पर? इनके पॉइंट से मेरा केस वीक हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो कहा है वो रूल्स के हिसाब से सही है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। बिहेव। सॉरी सारे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट सुनकर ये कोर्ट मिस्टर खुराना को 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पे मिसेस वंदना वागले को चुकाने की सजा सुनाता है। ये जुर्माना उन्हें हुई मेंटल एगनी के ग्राउंड पे उन्हें देना होगा और वो 20 रुपए जो मिसेस वागले ने बैग के लिए पे किए थे वो भी उन्हें वापस लौटाने होंगे। दक्कू भाई, थैंक यू। वाह वाह दक्कू। आप महान हैं। नहीं नहीं दक्कू भाई, आप महान हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।